आज मैं लंदन में इंग्लैंड की पार्लियामेंट के दोनों सदन को देखने के लिए अंदर सपरिवार सब मित्रों के साथ गया हूँ। यहाँ की पूर्व मंत्री भी हमारे साथ रही है, उनने बहुत अच्छे से पूरा पार्लियामेंट का फंक्शन भी समझाया, पूरा अंदर का माहौल दिखाया और बहुत सारी चीज़ें मुझे जिज्ञासु होने के नाते से समाधान भी मिला और थोड़ा रोचकता भी रही है। जैसे इनके यहाँ की व्यवस्था में राज्यसभा के समान हमारे यहाँ इनका अलग अलग टेन्योर नहीं होता है। एक बार कोई उच्च सदन का नामित सदस्य हुआ है तो ताउम्र रहता है, फिर बैठने के लिए चेयर अलग अलग नहीं होती, जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ बैठेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स में उसका सिस्टम भी अलग प्रकार का है। राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा में, लोकसभा का सदस्य लोकसभा में, लेकिन हमारे मिनिस्टर दोनों सदन में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। इनके सिस्टम में ये गुंजाइश नहीं है। जो राजा हैं इंग्लैंड के, वो उच्च सदन से ही अपनी बात रखते हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर के अपनी बात नहीं कहते। ऐसे कई जिज्ञासा के समाधान भी हुए और कई प्रकार की जानकारी भी मिली। और जैसा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये टूट गया था, लेकिन पुनः उसी रूप में बना करके जो दिखाया है, ये इनकी अपनी प्राचीन धरोहर के प्रति इनका प्रेम भी बताता, कला के प्रति उनके अनुष्ठा निष्ठा भी बताती है। मैं अपनी ओर से लोकतंत्र के इस इंग्लैंड के इस एक तरह से हाउस में देख करके सच्चे अर्थों में जनता की ताकत को हम अपनी पार्लियामेंट में ही महसूस कर सकते हैं। जनतंत्र की किसी भी जगह पर जा करके जो खुशी होती है, मुझे यहाँ आकर के भी वो खुशी हुई है। अतीत के काल में हमारा जो गुलामी का दौर गया है, ऐसे दौर से निकल के भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र बना है, तो ऐसी बहुत सारी अच्छाइयों को लेकर भी हम अपनी बात देख सकते हैं। मैं यहाँ देख रहा था कि कुछ सौ साल पहले यहाँ बहनों को ये भी अपनी पार्लियामेंट में जगह नहीं देते थे, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने इसको पावर दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 33% की जो सीट रिजर्व करने का निर्णय किया, ये तो और आगे का है। हम सब देख रहे हैं कि अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुए और वहाँ भी बहनों के लिए राष्ट्रपति वाले मसले पर, लगभग 300 साल पुराना उनका भी लोकतंत्र है, लेकिन कोई राष्ट्रपति नहीं बनी। हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या कोई भी बहन भाई बन सकते हैं, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र हो, वहाँ जाके जो आनंद आता है, मुझे यहाँ आया, मेरी अपनी ओर से बधाई।